दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दुनिया से खत्म हो जाने वाली मखलूक डायनोसॉर्स की। ये कैसे और क्यों खत्म हुई मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ट्रियासिक पीरियड यानी आज से तकरीबन 208 से 248 मिलियन साल पहले का टाइम, जब दुनिया के मौजूदा तमाम बर्यादर ममालिक एक ही बहुत बड़े जजीरे पर मुश्तमिल थे, जिसे पेंजिया कहा जाता है, जिसका मतलब है तमाम दुनिया। उस वक्त की दुनिया के हालात हमारी आज की दुनिया से बहुत मुख्तलिफ थे। मौसम बहुत ज़्यादा शिदत नहीं रखते थे, समुद्रों की सतह आज के मुकाबले बहुत ज़्यादा बुलंद थी और कुतुबेन के इलाके में बर्फ़ का नामो निशान तक नहीं था। उस वक्त ज़मीन की सतह पर छोटे और तेज़ रफ्तार डायनोसॉर्स पहली बार जाहिर हुए, जो कि रात के अंधेरे में नहीं देख सकते थे। इसी दौरान एक्टियोसोर नामी समुद्री मखलूक ने भी समुद्र में तैरना शुरू कर दिया और फिर यूँ वक्त गुजरता गया, यहाँ तक कि 208 से 140 मिलियन साल पहले जुरासिक पीरियड का वक्त शुरू हुआ। इस दौरान पेंजिया ने टूटना शुरू कर दिया और दो बड़े जज़ायर में तकसीम हो गया। इस दौर में मौसम पहले की तरह खुशगवार और खुश्क ही रहा, मगर मौसम में नमी का तनासुब बढ़ना शुरू हो गया। ज़मीन दो जजीरों के अलावा सिर्फ समुद्री हिस्से पर मुश्तमिल एक सियारा ही दिखाई देती थी। इस दौर में डायनोसॉर्स की मजीद नई नस्लों ने जन्म लिया, जो कि साइज में बहुत बड़ी थी, और इन बड़ी डायनोसॉर्स ने कई मिलियन साल तक ज़मीन पर राज किया। इसी दौरान डायनोसॉर्स की एक ऐसी नस्ल ने भी जन्म लिया, जो कि है तो ज़मीन पर चलने वाली किस्म थी, मगर हैरानकुन तौर पर यह उड़ भी सकती थी और इसकी लंबाई तकरीबन 35 सेंटीमीटर हुआ करती थी। इसकी खुराक दूसरे जानदार मसलन मछली और दूसरे रिंगने वाले जानदार हुआ करते थे। अपने तेज तरीन दांतों और लंबी दुम की बदौलत डायनोसॉर की इस नस्ल ने आसमान पर राज किया। डायनोसॉर की एक और नस्ल समुद्र में क्रोकोडाइल की सूरत में नमूदार हुई और यह नस्ल पानी पर अपना राज करने लगी। यह साइज में इतनी बड़ी थी कि अपने से बड़े डायनोसॉर का शिकार करके अपनी भूख मिटाती थी। इस नस्ल का वजन 8 टन और लंबाई 8 मीटर से भी ज़्यादा थी। सबसे पहले द्राफ्ट होने वाले डायनोसॉर 1890 में बरतानिया के विलियम ने द्राफ्ट किए और 1824 में इसे मेगालोसॉर्स का नाम दिया गया, जो कि बहुत बड़ी जिसामत के मालिक गोश्तखोर जानवर थे। इनकी ऊंचाई 3 मीटर और इनका वजन 1000 किलोग्राम से 3000 किलोग्राम तक था, जबकि इनकी लंबाई 9 मीटर तक थी। अपनी मजबूत टांगों, तेज दांतों और नकीले पंजों की बदौलत ये डायनोसॉर अपने से कई गुना बड़े डायनोसॉर का भी शिकार करते थे, जबकि हालिया तहकीक के मुताबिक ये इंतहाई ज़हीन भी हुआ करते थे। ये एक हिकमत अमली अपनाकर मौका देखकर शिकार किया करते थे। इसकी नस्ल का मकबूल तीन करदार टीरेक्स नामी डायनोसॉर है। ये 40 फुट लंबे थे और खुले जंगलात के अलावा समुद्री इलाकों में रहना पसंद करते थे। ये देखने और सूंघने की सलाहियत रखते थे, मगर सुनने की सलाहियत से महरूम थे। इसी तरह के गोश्तखोर डायनोसॉर की और भी बहुत सी नस्लें मौजूद थी। कुछ साइंसदानों के मुताबिक डायनोसॉर सब्ज रंग के थे, मगर इनके पास इस बात का कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं। दोस्तों जिसामत के अतबार से ज़मीन पर रहने वाले सबसे बड़े डायनोसॉर 115 से 130 फीट लंबे थे और इनका वजन 70 टन के करीब होता था और इनके चलने से ज़मीन भी हिलती थी, मगर इनके चलने की रफ्तार बहुत ऐसा होती थी और इनकी गर्दन 46 फीट लंबी होती थी। और ये गोश्तखोर नहीं थे, बल्कि ये सब्ज पत्ते यानी पौधों को खाया करते थे। समुद्र में रहने वाली ब्लू व्हेल इन डायनोसॉर से जिसामत में पड़ी थी। इसके बरक्स सबसे छोटी जिसामत के डायनोसॉर की नस्ल के फॉसिल जो अब तक दरियाफ्त हुए हैं, इन्हें माइक्रोरेप्टल्स कहा जाता है, जो कि हाल ही में चाइना में दरियाफ्त हुए हैं। ये 16 इंच लंबे गोश्तखोर एक मुर्गी के साइज इतने बड़े थे। इनका वजन सिर्फ 3 किलोग्राम तक का था। 65 मिलियन साल पहले के वक्त को क्रिटिसिस पीरियड कहा जाता है। ये वो वक्त था जब आतिफिशा फटने की वजह से ज़मीन पर मौजूद दो बरियादम टूटकर मुख्तलिफ टुकड़ों में तकसीम होना शुरू हो गए। इस वक्त में समुद्री सतह आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गई और मौसम शिद्दत के होने लगे। कुतुबेन के इलाकों में दर्जा मनफी होने की वजह से बर्फ़ बनना शुरू हो गई और यूँ बड़े बड़े ग्लेशियर और बर्फ़ के टुकड़े बरियादम अंटार्कटिका और दूसरे बरियादम वजूद में आए। 65 मिलियन साल पहले के वक्त में आतिफशां फटने के दौरान ज़मीन पर एक क़यामत बरपा हुई और इन आतिफशां से निकलने वाले आग के गोलों ने डायनोसॉर्स को दुनिया से बिल्कुल ही मिटा कर रख दिया, जबकि कुछ परिंदे समुद्री मखलूक मसलन मगरमच्छ और मैगनाडोल अपना वजूद बचाने में कामयाब हो गई। दोस्तों डायनोसॉर के खात्मे से मुतल्लिक एक और नज़रिया भी है और इस नज़रिए को ज़्यादातर साइंसदान तस्लीम करते हैं। इनके मुताबिक एक बहुत बड़ा शाप साकिब, जो कि 6 से 15 किलोमीटर लंबा था, वो 65 मिलियन साल पहले ज़मीन की सतह से टकराया, जिसने ज़मीन की सतह को तकसीम कर दिया। इसकी वजह से बड़े बड़े आतिफशां पहाड़ भी फट पड़े।
समुद्री तूफान, सुनामी, हवाई तूफान और तेजाबी बारिशों ने अपने सामने वाली हर चीज़ को तबाह कर दिया और इसी दौरान शदीद धूल और गर्द भी पैदा हुई और इस गर्द ने कई माह तक फजा को रुदा रखा। मगर सूरज की रोशनी की बदौलत जब फजा साफ हुई तो जज्जारात गिरना शुरू हो गया। इस दौरान जो जानदार बच गए वो बदलते जज्जारात को बर्दाश्त न कर सके और अपना वजूद खोने लगे। यानुसार के फौसल दुनिया के मुस्लिम ममालिक अमेरिका, इंडिया, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, चाइना और पाकिस्तान में भी दरियाफ्त हुए हैं। यानुसार के मतलब कुरान करीम में इस बात की गवाही मौजूद है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले भी जिंदगी का वजूद था। दोस्तों, वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का जरूर इजहार कीजिए। मेरी हौसला अफजाई के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।